सबा आज़ाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार, वो एक्टर हैं, सिंगर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, इन दिनों खबरों में हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें इतना सारा काम आता है, बल्कि इसलिए कि वो एक सुपरस्टार के साथ रिलेशनशिप में हैं। रिपोर्ट्स और गॉसिप की माने तो सबा पिछले कुछ समय से ऋतिक रोशन को डेट कर रही हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि इस वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया है। सबा आज़ाद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फ़ोटो पोस्ट की। फ़ोटो के साथ उन्होंने लिखा, अपनी नेचुरल जगह पर वापसी, 2 साल के बाद मैं कोई वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रही हूँ। आगे सबा ने कई और स्टोरीज पोस्ट की जिनमें उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले 2.5 साल से काम क्यों नहीं मिल रहा था। सबा लिखती हैं, जी 2 साल से ज़्यादा समय के बाद, मगर क्यों? आप में से कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं कि मैं पिछले 15 सालों से ज़्यादा वक्त से वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। इस दौरान मुझे कम से कम 200 से ज़्यादा एड फिल्मों में काम करने का मौका मिला। वॉइस आर्टिस्ट मेरे 3 करियर्स में से एक है और ये मेरे लिए क्रिएटिव और आर्थिक तौर पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला अनुभव रहा है। मैंने कई कमाल के डायरेक्टर्स के साथ काम किया, कई शानदार एड फिल्मों को आवाज़ दी। अमूमन मैं हर महीने 6 से 8 वॉइस ओवर करती थी, मगर 2.5 साल पहले अचानक से महीने का एक भी वॉइस ओवर वाला काम मिलना बंद हो गया। ऐसे में आप मेरा कन्फ्यूजन समझ सकते हैं। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मैं काम छोड़ रही हूँ, ना ही मैंने ये कहा कि मेरी इस काम में रुचि नहीं रही। मैंने अपनी फ़ीस में भी कोई बदलाव नहीं किया, मेरी साइट से कुछ भी अलग नहीं हुआ। फिर क्या बदल गया? मुझे 1 महीने पहले तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर मैं बॉम्बे में एक डायरेक्टर से मिली जिनके साथ मैं रेगुलर काम करती थी। मैंने ना चाहते हुए भी उनसे सीधे पूछ लिया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आप लोग मुझे वॉइस ओवर के लिए क्यों नहीं बुलाते। इसके बाद उन्होंने जो बताया उससे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, अरे हमें लगा कि अब तुम वॉइस ओवर जैसा कुछ नहीं करना चाहोगे, तुम्हें पता है क्यों। आप लोग समझ सकते हैं कि इससे उनका क्या मतलब था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मैं जिस शख्स की बात कर रही हूँ वो कमाल के इंसान हैं, इंडस्ट्री के सबसे अच्छे डायरेक्टर्स में से एक, काफ़ी प्रोग्रेसिव और चल आदमी है। उस किस्म के लोग जिनके साथ मैं हैंग आउट करना पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे उनसे ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो उनका कहने का मतलब ये था कि उन्हें नहीं लगा कि मैं लाइफ में जहाँ हूँ, यानी जिसे डेट कर रही हूँ, उसके बाद में वॉइस ओवर जैसा काम करना पसंद करूँगी। ये आदमी जो प्रगतिशील है और अच्छा इंसान है, इन्होंने अपने आप मान लिया कि मैं जिस व्यक्ति को डेट कर रही हूँ उसकी वजह से एक सम्मानित और अच्छे मानदेय वाला जॉब नहीं करूँगी। और अगर वो ऐसा सोचते हैं तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि दुनिया के बाकी लोग क्या सोचते होंगे। क्या वाकई आज भी हम उसी अंधेरे युग में जी रहे हैं जहाँ हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई महिला किसी सफल व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है तो उसे अपने 2 वक्त की रोटी कमाने की ज़रूरत नहीं है, अपने रेंट या फिर बिल्स खुद भरने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पर गर्व करने या अपनी और अपने परिवार की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है? ये किस तरह की पुरातन मानसिकता है जो हम इस तरह की चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं? तो बेसिकली मैंने अपना पूरा करियर खो दिया जिसे मैं बहुत पसंद करती थी, क्योंकि लोगों को लगा कि अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि ये एक आयामी पितृसत्तात्मक और पिछड़ी मानसिकता है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि जब 2 मजबूत और इंडिपेंडेंट लोग साथ आते हैं तो उन्हें अपनी पहचान, अपनी ज़िंदगियाँ और करियर छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपना व्यक्तित्व बचाए रखते हैं और आज़ादी और मजबूती के साथ उसे साझा करते हैं। किसी और की जहालत की वजह से अपना पूरा करियर खो देना बहुत तकलीफदेह होता है। इसलिए मैं फिर से आपको बता दूं कि मैंने ये काम नहीं छोड़ा है। सभी एड फिल्म मेकर्स से कहना चाहती हूं कि मैं अभी भी वॉइस ओवर करती हूं। प्लीज़ भगवान के लिए अपनी इन मान्यताओं को छोड़िए और चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं। सबा आज़ाद बचपन से ही नाटक से जुड़ गई थी क्योंकि वो नाटककारों के परिवार से आती हैं। सफदर हाशमी उनके चाचा थे। सबा उनके थिएटर ग्रुप जन नाट्य मंच के कई नाटकों का हिस्सा रह चुकी हैं। सबा ने अपने फिल्म एक्टिंग करियर की शुरुआत की 2008 में आई फिल्म दिल कबड्डी से। इस फिल्म में इरफान, राहुल बोस, कोंगना सेन शर्मा और सुहा अली खान जैसे एक्टर्स ने काम किया था। इसके बाद वो मुझसे फ्रेंडशिप करोगे नाम की फिल्में दिखाई दी। इसके अलावा वो लेडीज़ रूम, फील्स लाइक इश्क और रॉकेट बॉयज जैसे वेब शोज़ में भी काम कर चुकी हैं। आने वाले दिनों में सबा अनुराग कश्यप की अनाम फिल्म में नज़र आने वाली हैं। इस खबर में आपके लिए इतना ही, जो आपके सामने लेकर आए थे मेरे साथी श्वेतांक। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी सिनेमा से जुड़ी तमाम दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। मेरा नाम है उपासना। शुक्रिया।